वेद मंत्रों को मंत्र कहा जाता है, परंतु प्राण मंत्रों को श्लोक क्यों कहा जाता है, जानिए रहस्य। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। दोस्तों, इस वीडियो में आज का टाइटल बहुत ही ज्ञानवर्धक है, अर्थात प्रत्येक प्राणी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, जिसमें जानेंगे कि वेदों के मंत्रों को मंत्र क्यों कहते हैं, श्लोक क्यों नहीं कहते, और इसी प्रकार प्राणों के मंत्रों को श्लोक क्यों कहते हैं पर मंत्र क्यों नहीं कहते। ये तो आपने अच्छी तरह से सुना होगा, परंतु आपको पूरी तरह से ये मालूम नहीं होगा कि इनमें क्या विशेष अंतर है। तो ये जानने के लिए हमारी वीडियो के अंत तक बने रहें, और हमारे इस चैनल पर नए मेहमान बनकर के यदि आए हैं तो आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को अवश्य दबाएं, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। तो आइए, आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए इस महत्वपूर्ण प्रसंग पर ध्यान देते हैं। दोस्तों, विशेष गहराई से समझा जाए तो वेदों के मंत्रों में और प्राणों के श्लोकों में धरती आसमान का अंतर होता है। वो कैसे? तो दोस्तों, जैसे हम गंगा जल को जल ही कहते हैं, लेकिन हम उसे पानी नहीं कहते, क्योंकि गंगा जल को यदि हम पानी कहते हैं तो उस जल का अपमान होता है, बशर्ते गंगा का भी जल है और तालाब कुएं व नल का भी जल है। परंतु तालाब कुएं व नल के जल को सभी लोग पानी ही कहते हैं, जल नहीं बोलते हैं। दोस्तों, ठीक इसी प्रकार हम वेद के मंत्रों को मंत्र ही कहते हैं, बल्कि श्लोक नहीं कहते, क्योंकि यदि हम वेद मंत्रों को श्लोक बोलते हैं तो वेद मंत्रों का अपमान होता है, इसीलिए सभी वेद मंत्रों को मंत्र ही कहते हैं। दोस्तों, अब आप असमंजस में होंगे कि जल तो हर जगह का एक जैसा होता है, फिर गंगा जल को जल क्यों कहते हैं, इसमें क्या अंतर है? तो आइए आपको ये भी बताते हैं। बंधुओं, वैज्ञानिक दृष्टि से भी यदि देखा जाए तो गंगा जल को जल इसलिए कहते हैं कि गंगा का जल कभी खराब नहीं होता, अर्थात उसमें कभी कीड़े नहीं पड़ते हैं, क्योंकि वह जल पहाड़ों में अनेक प्रकार की जड़ी बूटियों को अपने में शामिल करता हुआ आता है, और वह जल हमेशा बहता हुआ होता है, इसलिए गंगा का जल खराब नहीं होता और उसमें कीड़े भी नहीं पड़ते हैं। उस जल को जल ही कहते हैं, क्योंकि जल हमेशा पवित्र होता है। और दोस्तों, तालाब कुएं व नल का जल भर करके रख दो तो वह कुछ समय में खराब हो जाता है, अर्थात उसमें कीड़े भी पड़ जाते हैं, इसलिए इस जल को पानी ही कहते हैं। ठीक इसी प्रकार वेद के मंत्र शुद्ध और शक्तिवान होते हैं, उन मंत्रों में शक्तियां होती हैं, परंतु श्लोकों में शक्तियां नहीं होती। एक रहस्य वाली बात और है, वो भी आपको बताता हूं बंधु। वेदों में किसी भी राजा और देवताओं की कहानी नहीं होती है, सबके लिए वेदों ने एक बराबर तुलना की है, चाहे वो राजा हो, चाहे वो रानी हो, चाहे देवता हो, चाहे वो देवी हो, सबके लिए एक बराबर उसमें तुलना की गई है, किसी को घटा बढ़ा करके वेदों में तुलना नहीं की गई है, ना उसमें राजाओं और रानियों की कहानी आती है। जैसे उसमें तो मंत्र होते हैं, जैसे वेदों का मंत्र होता है गायत्री मंत्र, गायत्री को हम श्लोक नहीं कहते, क्योंकि गायत्री मंत्र ही कहते हैं, क्योंकि वो मंत्र वेद से निकला है। जैसे ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोस्तों, ये गायत्री मंत्र वेद से निकला है, इसलिए हम इस मंत्र को मंत्र ही कहते हैं। और पुराणों से, शास्त्रों से जो ये श्लोक निकला है, जैसे कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयार बिंदे भवम भवानी सहितम नमामि। दोस्तों, ये प्राणों से निकला है मंत्र, लेकिन इस मंत्र को मंत्र नहीं कहेंगे, इसके लिए हम श्लोक कहेंगे। तो दोस्तों, इसी तरीका से मंत्र
को हम मंत्र कहते हैं जो वेदों से निकलते हैं, और प्राणो शास्त्रों से जो मंत्र होते हैं उनके लिए मंत्र नहीं, उनके लिए हम श्लोक कहते हैं, क्योंकि मंत्रों में शक्तियां पाई जाती हैं और श्लोकों में वो शक्तियां नहीं पाई जाती हैं, तो इसलिए मंत्र बड़ा होता है। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी ये वीडियो? अगर ये वीडियो और ये ज्ञानवर्धक प्रसंग सभी दर्शकों को पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक अवश्य करना और दूसरों को भी शेयर करना। राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण बंधुओं।